राम राम। सुंदरकांड की कहानी, ये कथा, ये अद्भुत कथा। अब दोहा 21 से आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी अपना परिचय उन्होंने रावण को दे दिया है। उसकी सभा में बिल्कुल निर्भीक होकर, उसी प्रकार से जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि जैसे सर्पों के समूह में एक गरुड़ निशंक रहता है, बिना डरे हुए रहता है, वैसे ही वो क्या कहते हैं आगे। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहुसन परी लराई। दूत का ये भी काम है कि वो शत्रु के मनोबल को एकदम गिरा दे, और हनुमान जी ठीक वही काम कर रहे हैं। वो अब रावण को चढ़ाते हुए उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारी प्रभुता को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जब रावण स्वयं अपनी महिमा का बखान कर रहा था, तब हनुमान जी उसको नीचे दिखाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी प्रभुता को तो मैं खूब जानता हूं। सास बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से, समर बाली सन कर जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा। और तुमने किस प्रकार से बाली से युद्ध करके यश को प्राप्त किया था। सभी जानते हैं कि बाली से युद्ध के लिए जब रावण गया था तो बाली इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को दबा करके पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया था। और बाली को यह वरदान था कि जो कोई भी योद्धा उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। तो रावण बाली से हार करके अपयश को उसने प्राप्त किया था। और हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर के रावण ने हंस करके बात टाल दी, क्योंकि पूरी सभा के सामने अब उसका अपमान जो हो रहा था। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी सुभावते तोरे रूखा। हनुमान जी कहते हैं कि हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, और वानर स्वभाव है मेरा, तो वानर स्वभाव के कारण मैंने कुछ वृक्ष तोड़ डाले हैं। इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। और वो बोलते हैं कि ये निशाचरों के मालिक, अपनी देह तो सभी को प्रिय होती है, तो जब कुमार्ग पर चढ़ने वाले तुम्हारे ये दुष्ट राक्षस ये मुझे मारने लगे, तो अब अपनी देह की रक्षा तो करनी है ना। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे उतनय तुम्हारे। और जब ये मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा मैंने भी उन्हीं को मारा, जिन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला उन्हें मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैं अपने देह की आत्मरक्षा तो सभी का अधिकार है, तो ये मेरी देह है, जब कोई मुझ पर हमला करेगा, आक्रमण करेगा, तो मुझे इसका बचाव तो करना ही है। और इस पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे अपने बांधे जाने पर कुछ भी लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्रभु का काम करना चाहता हूं। और जब मैं किसी कार्य पर हूं, जब मैं किसी कार्य के लिए आया हूं, तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हम कोई काम करते हैं या किसी काम पर जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये कार्य करने कोई देख लेगा कि मैं ये कौन सा काम कर रहा हूं। बहुत सारे कार्य हम इस वजह से नहीं कर पाते, इस कारण से नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लोक लाज का भय रहता है। लेकिन आप यदि जिस कार्य को करने के लिए निकले हैं और आप अपनी लोक लज्जा को त्याग देते हैं, क्योंकि यदि आप सही काम करने जा रहे हैं तो आपको डरने की या शर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको गर्व के साथ अपना काम करना चाहिए, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। हनुमान जी भी यही कहते हैं कि मुझे बांध दिया गया, इसमें मुझे कोई लाज नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु का कार्य पूरा करने के लिए आया हूं, और इस कार्य में ऐसी बाधाएं आएंगी ये तो मुझे मालूम ही है। विनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। हनुमान जी कहते हैं कि रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम अभिमान को छोड़ करके मेरी जो सीख है, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसको सुन लो। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजि भजौ भगत भयहारी। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करो। रावण कितने पवित्र कुल का है, ऋषि पुलत्स का कुल है वो, उस कुल का है,
उसके विचार के बारे में तुम सोचो और सारे भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो, उनकी शरण में जाओ। क्यों? चाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से डरता है। तासों बयर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। उससे तुम्हें कदापि बैर नहीं करना चाहिए, शत्रुता नहीं करनी चाहिए, और मेरे कहने पर तुम जानकी जी को, प्रभु श्री राम जी को सौंप दो। इसी में तुम्हारे कुल का और तुम्हारा हित है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसार। खर के शत्रु भगवान श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं, सागर हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें भी अपनी शरण में रख लेंगे। इसलिए सारे अभिमान को त्याग कर जानकी मैया को, श्री रामचंद्र जी को लौटा दो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे कुल का कल्याण है। यहां पर सुंदरकांड का दोहा 22 समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।